इस वक्त की बड़ी खबर, द्वारका जिला स्पेशल स्टाफ पुलिस टीम ने अवैध शराब के 2000 क्वार्टर बरामद किए हैं। अवैध शराब सप्लाई में इस्तेमाल टेम्पो को भी जब्त कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पर पहले भी आबकारी अधिनियम के तहत 2 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन के मुताबिक आरोपी व्यक्ति हरियाणा से दिल्ली तक अवैध शराब की सप्लाई किया करता था। एसीपी राम अवतार और इंस्पेक्टर नवीन कुमार की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही की है। पुलिस टीम को जानकारी मिली थी और जानकारी के अनुसार पुलिस थाना द्वारका उत्तर के इलाके ITBP पब्लिक स्कूल के पास टीम ने एक जाल बिछाया और करीब सुबह 5 बजे बजाज टेम्पो देखा और उसको रुकने का इशारा किया, लेकिन टेम्पो चालक ने भागने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस टीम की सतर्कता और मुस्तैदी के चलते आरोपी चालक को पकड़ लिया गया है। जोशी निवासी ग्राम लोहार हैदी जिला हरियाणा झज्जर के रूप में उसकी पहचान हुई है और उसके कब्जे से 2000 अवैध शराब के क्वार्टर बरामद किए गए हैं। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।